किसान भाइयों 90% जमीन पर 0.38 गन्ने की खेती करी जाती है। जितने भी गन्ने के हमारे किसान भाई हैं इस वैरायटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बीमारियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया है। इस साल दोस्तों टॉप बोरर ने इतना परेशान नहीं करा है जितना किसान भाइयों को पोको बोइंग जो बीमारी है गन्ने की फसल में वो परेशान कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उमस हो जाती है कभी कभी तो, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है जो कि फंगस जनित रोगों के लिए बिल्कुल दोस्तों उपयुक्त परिस्थितियां हैं। इसी कारण पोको बोइंग जो रोग है साथियों वो बार बार गन्ने की फसल में अटैक कर रहा है, इसलिए किसान साथी परेशान है, पूछते रहते हैं कि क्या इसका परमानेंट इलाज है, कौन सी दवा हम इसमें लगा सकते हैं। किसान भाइयों आज मैं आपको दो दवाओं का ऐसे सटीक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो कि जितने भी फंगस जनित बीमारियाँ होती हैं साथियों, वो चाहे सब्जी वर्ग की फसल हो, वो चाहे हमारे गन्ने की फसल हो, सभी प्रकार की फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। और जितने भी रोग फंगस के कारण कोई भी रोग कोई भी बीमारी लगती हो दोस्तों वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो भी कीट हमारी फसलों में लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो गन्ने की मेन बीमारी है, एक तो पोको बोइंग और इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारी है वो है टॉप बोरर, जिसके कारण किसान भाइयों का गन्ना जो है बिल्कुल बेकार चलता है। ये दोनों ही परेशानी आपके पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है। और किसान साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, किसान भाई जो है जब भी कोई कॉम्बिनेशन बताया जाता है ये कहते हैं कि भाई सुंडी मेरे खेत में लगी हुई है वो मर बिल्कुल नहीं रही। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों इस दवा का इस्तेमाल करते ही साथियों चाहे अंदर भी सुंडी क्यों ना लगी हो वो भी समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके खेत में कैसी भी फंगस लगी हो, कैसा भी पोको बोइंग रोग लगा हो, आप इस दवा का स्प्रे करेंगे साथियों तो निश्चित रूप से बिल्कुल पूर्ण रूप से फंगस जो है समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी बता दूँ, चर्चा कर लूँ, कई सारे किसान भाइयों ने पूछा कि बारिश के कारण हमारे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है बहुत ही ज़्यादा और हमारे गन्ने की फसल जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सूख गया, अब क्या करें। जैसे ही दोस्तों वो किसान साथियों वो पानी सूखे उसके बाद अगर आपका गन्ना जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से सूख गया तो उसको कटवा करके निकलवा दो, वो नीचे से दोबारा से फूटेगा। और ये दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बार अपने गन्ने की फसल पर जरूर स्प्रे कर देना, उसकी जड़ों पर लगा देना साथियों, बिल्कुल भी कोई फंगस नहीं लगेगी और इसके साथ साथ दोबारा से आपका गन्ना फूटा बहुत ही अच्छे से लेगा। दोस्तों किसान भाइयों मैं बात कर रहा हूँ सिंजेंटा कंपनी के प्रोडक्ट एमस्टार टॉप के बारे में, काफ़ी शानदार फंगीसाइड, वर्ल्ड बेस्ट फंगीसाइड है, ये फंगस के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है साथियों। 80% फंगस से लगने वाली बीमारियों को ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बहुत ही आसानी से समाप्त कर देता है, चाहे साथियों आपके खेत में रोग हो या फिर ना हो उस पर भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। लेकिन साथियों अगर आपके खेत में भयंकर तरीके से रोग आ चुका है, आप जो है फंगस जनित रोग आ चुका है, आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए साथियों। 5 बीघे खेत में नहीं, 1 एकड़ खेत में 250 ml दवाई आप लगा देंगे तो बिल्कुल भी आपके खेत में कोई भी फंगस जनित बीमारियाँ न लगेगी और जो लगी हुई दोस्तों वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ये दवाई दोस्तों थोड़ी सी महंगी है, इसलिए किसान भाइयों इसका इस्तेमाल तब करना आप जब आपके खेत में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटैक हो, नहीं तो कई सारे बाजार में सस्ती दवाइयां आती हैं जो मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताई भी, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। अब इस दवाई का इस्तेमाल क्यों जरूरी किसान भाइयों, कई सारे किसान भाइयों के खेत में पानी भरा हुआ है, वहां पर रेड रॉट का भी खतरा बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। रेड रॉट भी यही एक दवा ऐसी है, अगर आप इसका स्प्रे जो है निरंतर करवाते रहते हैं तो निश्चित रूप से साथियों रेड रॉट पर भी ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगी, ट्रीटमेंट देगी। किसान भाइयों दूसरी जो दवाई है हमारी वो है मोनोक्रोटोफॉस, ये साल्ट भी है, इसके साथ साथ बाज़ार में इसी नाम से आपको मिल जाएगी दोस्तों, पर बाज़ार में बहुत ही कम अब मिल रही है। कई कंपनियां इसे साल्ट को बनाती हैं या जो है बहुत ही सभी प्रकार के कीटों पर अच्छे रिजल्ट निकाल करके देती है। कैसी भी सुंडी आपके खेत में लगी हो साथियों, कितने भी अंतर तक गोब में चली गई हो गन्ने की फसल में, अगर आप इस दवा का छिड़काव अपने गन्ने की फसल पर कर देंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों वो सुंडी अंदर ही मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बहुत ही कम दवाएँ ऐसी किसान साथियों जो सुंडी को अंदर मारने में सक्षम है, लेकिन इसके स्प्रे करने के बाद प्रैक्टिकल करने के बाद साथियों ये देखा गया है कि ये दवाई जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से सुंडी को अंदर मारने में भी सक्षम है साथियों। और सबसे अच्छी बात यह है किसान साथियों कि ये इतनी सस्ती है कि बाजार में दोस्तों कोई भी कीटनाशक इससे सस्ता आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, 550 से 600 रुपए के बीच में आपको ये 1 लीटर मिल जाएगी साथियों। और 1 लीटर साथियों आप 8 बीघे में जो है उसमें इस्तेमाल करिए खेत में, वैसे तो 10 बीघे की ये डोज है लेकिन 8 में ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके खेत में रोग आया हुआ है तो आप 8 बीघे में इसे लगा दीजिए। 1 लीटर दवाई जो है केवल 550 से 600 रुपए की मिलेगी किसान भाइयों, बिल्कुल पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का कीट हो थ्रिप्स हो आपके खेत में साथियों बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।
केवल दोस्तों दो दवाओं का ये कॉम्बिनेशन आपके खेत से साथियों पूर्ण रूप से कीट और फंगस दोनों चीज़ों को बिल्कुल समाप्त कर देगा। साथियों किसी भी प्रकार का रोग आपकी फसल में दे लगा हो बिल्कुल खेत एक हफ्ते में समाप्त दिखाई देने लगेगा आपको। और दोबारा जो दोस्तों गोब है वो चाहे तो टॉबोरर के कारण रुकी होगी या फिर पोचा पोखा बोइंग के कारण आपके गन्ने की फसल के ऊपर सड़न आ गई हो साथियों, वो दोबारा से चलना स्टार्ट कर देगा और किसान साथियों हमारा खेत जो है बच जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट और रामबाण इलाज है साथियों, लास्ट ट्रीटमेंट है इसे। तो किसान साथियों अगर आप इस कॉम्बिनेशन को सब्जी वर्ग की फसलों में लगाना चाहते हैं, वैसे तो मोनोप्रोटोफॉस के तो मनाइए सब्जियों में खास मनाइए, लेकिन आप इसकी मात्रा आधी करके और जो मैंने बताई है फंजीसाइड्स आपको मिस्टर टॉप बताइए इसकी मात्रा आप जो है 250 में लगा सकते हैं साथियों सब्जी वर्ग की फसलों में, तब भी आपको बहुत ही शानदार उच्च क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गन्ने की फसल के लिए डोजे किसान भाइयों अगर आपके खेत में रोग आया हुआ है साथियों, आपको सुंडी भी दिख रही है, टॉबोरर भी दिख रहा है और फंगस भी दिख रही है, तो साथियों ये कॉम्बिनेशन आप लगा दो निश्चित रूप से साथियों केवल और केवल 3 से 4 दिनों में ही आपका खेत बिल्कुल दोबारा से चलना स्टार्ट कर देगा। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।